कांग्रेस सरकार ने डीनोटिफाई किए 2 साइबर और 1 एम्स थाने को फिर से खोल दिया है। इनमें 2 साइबर थाने धर्मशाला, मंडी व एम्स थाना बिलासपुर में शामिल है। वहीं बंद कार्यालयों को फिर से खोले जाने के मामले में भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने पूरे प्रदेश में सरकारी कार्यालयों को बंद किया और फिर खोल दिया, इससे लगता है कि कांग्रेस को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि इन दफ्तरों का क्या महत्व है। कश्यप ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में जो कार्यालय खुले हैं वो 1 साल के अंदर नहीं खोले जाते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, उसके लिए बजट अलॉट होता है। सरकार की कैबिनेट और सरकार के विभागों के अप्रूवल के बाद ही इन संस्थाओं को खोला जाता है। कांग्रेस अपनी गलती को छिपाने के लिए बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर रही है। सुनिए और क्या बोले सांसद सुरेश कश्यप। देखिए, हमारा हस्ताक्षर अभियान जो डी नोटिफिकेशन इन्होंने बहुत सारे कार्यालय किए हैं उसको लेकर सभी मंडलों में चला हुआ है, और इसके बाद ही हमारा अगला अभियान जो सभी जिलों के ऊपर धरना प्रदर्शन और जिसमें कि हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो जाने वाला है, उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि ये सरकार जिसने कि बिना सोचे समझे, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि डी नोटिफिकेशन से पहले किसी प्रकार का रिव्यू नहीं किया गया और सीधे सीधे संस्थानों को 1 नोटिफिकेशन से डी नोटिफाई करने के लिए आदेश इन्होंने जारी किए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ लोकहित में और जनहित में जो कार्यालय खोले गए थे वो सुचारू रूप से कार्य कर रहे थे, उनको डी नोटिफाई करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रकार का अभियान, हस्ताक्षर अभियान, जन जागरण अभियान, जिसमें मैं भी अभी लगातार 4 दिन तक अब जो है ठियोग और चुपाल विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे था, और अभी इसके तुरंत बाद जुब्बल कोटखाई और रोहडू क्षेत्र का मेरा दौरा है, और पूरे प्रदेश भर में हमारे सभी मंडलों में इस प्रकार का हस्ताक्षर अभियान चला हुआ है, ताकि ये सरकार जो आते ही इस प्रकार का डिसीजन इन्होंने लिया है और उसको रिवर्ट करे, और सभी संस्थान जो जनता की मांग के ऊपर खोले गए थे उनको दोबारा से शुरू करे। और शायद सरकार उस दिशा में कुछ ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि कुछ जो साइबर थाने थे वो इन्होंने रीओपन किए भी हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद इनकी समझ में भी आना शुरू हो गया है कि ये गलत कदम है और ये प्रदेश के हित में, जनहित में और जनता की डिमांड के ऊपर कार्यालय खोले गए थे जिनको बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।